हेलो बच्चों, आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हम प्रत्यावर्ती धारा पाठ से LCR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा, कलांतर, शक्ति गुणांक और शक्ति क्षय का फार्मूला बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्व जिसकी धारिता C और एक प्रतिरोध है R, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हमें जो है परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा और विभवांतर और धारा का कलांतर, शक्ति गुणांक का स्थाई, शक्ति क्षय P, ये चारों वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, ये प्रत्यावर्ती परिपथ है। L के कारण जो प्रतिरोध होगा उसे XL कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात। C के कारण जो प्रतिरोध होगा XC होगा और R के कारण जो प्रतिरोध होता है वो R होता है। मैं मान लेता हूं कि L के सिरे का विभवांतर BL और C के सिरे पे विभवांतर है BC और R के सिरे पे है विभवांतर VR। तो क्या होता है, पहले आप ध्यान से समझेंगे इसको कि जैसे अगर ये परिपथ है LCR, हम ये मान लें कि भाई हम धारा को हम ले रहे हैं X अक्ष के अनुदिश ले ले रहे हैं धारा को, इधर I का डायरेक्शन हमने इधर लिया। तो जो R के कारण विभवांतर होता है या R की सिरों का जो विभवांतर होता है वो I के साथ हमेशा सेम कला में होता है, समान दिशा में होगा, उनके बीच कलांतर जीरो होगा। यानी कि R की सिरों का विभवांतर और I जो है समान कला में होते हैं, हमने इधर कर दिया। अब अगर आप जानते हो कि अगर परिपथ में केवल L लगा हो, मान लीजिए कि C और R नहीं लगे हैं, तो जो L के सिरों पर विभवांतर होता है वो I के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। यानी कि धारा जो होती है 90 अंश पीछे होती है और ये वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा। यानी कि L का जो सिरों पर विभवांतर आता है BL, वो जो होगा I के साथ आप देख रहे हैं 90 डिग्री आगे होता है। अगर मान लें कि केवल परिपथ में C लगा है तो C के सिरों पर जो वोल्टेज होता है BC, वो धारा से 90 अंश पीछे होता है। तो ये हमने इधर कर लिया 90 डिग्री। अब इसमें से BL और BC का पहले परिणामी निकालेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि BL भी ज़्यादा हो सकता है, BC भी ज़्यादा हो सकता है। हमने मान लिया कि भैया BL बड़ा है BC से, तो ये जो परिणामी होगा वो इधर आ जाएगा, ये होगा अंतर से BL माइनस BC के बराबर होगा। अब ये समझ लो कि BA हट गया, BL माइनस BC इधर है और BR इधर है, तो पूरे का परिणामी विभवांतर हमने मान लिया B यहाँ पर है। तो जो B होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो I से क्या है, आगे है, कितना आगे है, फाई। यानी कि हम कह सकते हैं I पीछे है। अगर B बराबर B0 साइन ओमेगा टी है तो I बराबर क्या होगा बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि I जो है B से कला में पीछे है, पश्चगामी है। देखिए आप चित्र में, तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। अगर BL माइनस BC इधर है तो इधर भी आपका होगा क्या, BL माइनस BC, और इधर BR है। अब देखिए हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, अब इसी चित्र को समझना है आपको और यहाँ से प्रतिबाधा का सूत्र हम बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें B, ये परिणामी विभवांतर है B, जो B और I के बीच कलांतर है वो है फाई। तो जो B का मान होगा, B का मान क्या होगा, तो आप जान रहे हैं कि जो B की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये BR स्क्वायर और BL माइनस BC के होल वर्ग के बराबर होगी रूट के अंदर में। तो ये हो जाएगा, ये पाइथागोरस में मैं भी लगाइए तो यही आएगा BR स्क्वायर और ये हो जाएगा BL माइनस BC का होल स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे विभवांतर जो होता है, आप जानते होंगे जो विभवांतर होता है वो होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो अगर संपूर्ण विभवांतर B है तो संपूर्ण प्रतिरोध जो होगा वो प्रतिबाधा होता है, तो B बराबर होगा I × Z। तो B की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा I × Z। और R की अगर हम बात करें BR का, तो यहाँ पर ये विभवांतर होगा धारा गुणे प्रतिरोध और क्या होगा, BR का वैल्यू हो जाएगा IR, ये IR का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये BL क्या होगा, धारा गुणे प्रतिरोध, L के कारण जो प्रतिरोध है वो XL है, तो BL का मान होगा I × XL और BC क्या होगा, I × XC होगा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम और नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे इसके आगे ये लाइन देखिए, I × Z इज इक्वल टू क्या होगा, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं I,
आई स्क्वायर होगा और यहाँ भी आई बाहर होगा तो आई स्क्वायर होगा, और बाहर आएगा रूट से तो आई हो जाएगा। तो ये आई हो गया और रूट के अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो गया। तो देखो बच्चों जेड का फार्मूला समझो बन गया, यही है प्रतिबाधा का सूत्र। एक्सएल को क्या होता है, एक्सएल होता है प्रेरण प्रतिभार, जिसको हम ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं। एक्स सी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी होता है, इसको इसको भी तोड़ सकते हैं। ये हो गया, ये बच्चों बन गया प्रतिबाधा का फार्मूला। जहाँ ओमेगा क्या होता है भाई, तो जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है इसका मान होता है टू पाई एफ, जहाँ एफ क्या है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो ये आप जान रहे हैं, तो जेड का बन गया फार्मूला। अब जेड का फार्मूला बन गया, अब हम दूसरे स्टेप में हमने बनाया है कि हम कलांतर निकालेंगे। तो कलांतर का मान कैसे निकालेंगे, आइए बच्चों देखते हैं। कलांतर के लिए हम क्या होता है फाई निकालना है। तो यहाँ पे आप चित्र में देखिए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में हम टेन फाई ले रहे हैं पहले, दूसरा पॉइंट हम कलांतर निकालने जा रहे हैं। तो टेन फाई का मान क्या होता है भैया, लंब बटा आधार। लंब का मान है बी एल माइनस बी सी और आधार क्या है बी आर। बी एल को हम लिख सकते हैं आई एक्स एल, बी सी को लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी और बी आर को लिख सकते हैं आई इंटू आर। आई का मान लेके कैंसिल हो गया, तो टेन फाई बराबर फार्मूला हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम फाई निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। हम चाहें तो एक्स एल और एक्स सी का फार्मूला रख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बाई आर, या फिर यहीं पर रोक दे रहे हैं। ये कलांतर का फार्मूला बन गया। तीसरे नंबर पे हम बनाएंगे शक्ति गुणांक का फार्मूला, ध्यान से समझना है बच्चों। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या है, चित्र आपका बन ही गया है, चित्र वही काम आ रहा है। शक्ति गुणांक कास फाई होता है, या देखिए कास फाई का मान क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज में कास फाई का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण के हिसाब से बी आर बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आर बाई बी, मान हम रख देंगे बी आर बाई बी। तो देखिए अब बी आर क्या होता है, आई इंटू आर लिख सकते हैं, बी क्या है आई इंटू जेड है, तो आई से आई कैंसिल हो गया भैया। तो कास फाई का मान आ गया कितना, आर बाई जेड। इस तरह से हम शक्ति गुणांक का मान निकाल लिए, जहाँ जेड कैसे निकलेगा, तो जेड का ये फार्मूला बना ही हुआ है, आर का मान आपको गिवन रहेगा। तो उसके बाद चलते हैं हम अगले फार्मूले की ओर, हम अब ज्ञात करेंगे शक्ति। तो बच्चों हम शक्ति छः कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने देखा है कि अगर b को हमने माना है वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो फाइनल v जो है परिणामी विभवांतर जो भी है परिपथ का, वो धारा जो है इससे फाई कला में पीछे है। तो i का इक्वेशन आ जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमने अभी बताया भी था और यहाँ फिर बता रहे हैं, ये आ गया। और शक्ति छः क्या होता है भैया, p बराबर होता है b इंटू आई। अब क्या करेंगे, मनवा रख देंगे दोनों का, b का मान क्या है वी जीरो साइन ओमेगा टी और ये शक्ति आई का मान क्या है आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस आई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए बच्चों समझते हैं। बी जीरो आई जीरो हमने पास में कर लिया, साइन ओमेगा टी है ये, उसके बाद हमने इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। वो फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी और ये कास फाई हो गया माइनस कास ए, यानी कि कास ओमेगा टी और ये हो गया साइन फाई। अब साइन ओमेगा टी को हम अंदर भेज दे रहे हैं गुणा में, तो ये वी जीरो आई जीरो साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई और ये हो गया, ये अंदर जाएगा तो साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हमने गुणा कर दिया। अब आप देखिए आगे क्या होगा भाई, तो पी बराबर हमने लिख दिया वी जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई। इसमें अगर हम दो से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो एक बटा दो, ये टू साइन ए कास ए, ये हो जाएगा साइन टू थीटा, यानी कि साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई। प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझना है, साइन टू ओमेगा टी हो चाहे कास टू ओमेगा टी हो, ये दोनों का जो औसत मान होता है एक पूरी साइकिल के लिए बता दूँ ये जीरो होता है, और साइन स्क्वायर ये ओमेगा टी जो ये वैल्यू है इसका एक साइकिल के लिए एक पूरी चक्कर के लिए जो मान होता है वन बाई टू होता है। चाहे तो इसको आप तोड़ सकते हैं कास टू ओमेगा टी और वाले फार्मूला में, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा वन बाई टू ही आएगा,
क्योंकि साइन टू ओमेगा टू कास टू ओमेगा टी का औसत मान एक साइकिल के लिए जीरो होता है। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, यहाँ से यहाँ तक जीरो हो गया और इसका मान एक बटा दो हो गया। तो ये पी बराबर क्या आ गया, बी जीरो आई जीरो और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान एक बटा दो और ये कास फाई और ये माइनस यहाँ पे जीरो होने से पूरा जीरो हो गया। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला बन के आ रहा है पी बराबर वो क्या हो रहा है, बी जीरो आई जीरो बाई टू है। तो हम इसको थोड़ा इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने बी जीरो बाई रूट टू आई जीरो बाई रूट टू लिख दिया। कैसे, दो को हमने रूट टू इंटू रूट टू में तोड़ दिया इंटू क्या है कास फाई। अब बच्चों देखें कि पी बराबर क्या होगा, ये बी जीरो अपॉन जो रूट टू है ये क्या है, ये है विभवांतर का वर्ग माध्यमूल मान, इसको हम लिख सकते हैं बी आर एम एस। और ये आई जीरो बाई टू आई जीरो बाई रूट टू को लिख सकते हैं आई आर एम एस और ये है कास फाई। इस तरह से शक्ति छः का फार्मूला बन गया। तो इस तरह से हमने एल सी आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, कलांतर और शक्ति गुणांक, शक्ति छः, ये चारों फार्मूला का डेरिवेशन आपको करके दिखाया, सबका फार्मूला बना के दिखाया। और निश्चित है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।